अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब दोस्तों को जानी साउंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सब दोस्तों के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, चैनल 9 की इन्फॉर्मेशन XR800F+ के ऊपर। 8 तो माइक लगते हैं, ठीक है, 8 ही इलेक्ट्रॉनिक वीडियो के लिए उन्होंने इनपुट दिए हुए लाइन इनके नाम से, लेकिन चैनल 9 वो किस लिए यूज़ होता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको टॉपिक बहुत ही अच्छा लगने वाला है, वीडियो आपके बहुत ही काम की आने वाली है। तो आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और कमेंट में कोई सवाल करना हो तो बेझिझक किया करें, आपको जैसे ही मैं देखूँगा आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि आजकल रमज़ान भी है तो बंदे को मसरूफियात और भी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन एक बार फिर दोबारा सुन लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बनने वाली बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानी साउंड ऑफिशियल। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चैनल 9 हमने डिस्कस करना था, चैनल 9 ये मैं आपको शो करता हूं, मैं किस चैनल की बात कर रहा हूं। ये देखें जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया हमारे माइक इनपुट्स, ठीक है। ये है जी हमारा चैनल 9 USB, जहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नीचे USB लिखा हुआ है। ये चैनल 9 जिसकी मैं आज आपको जो है ना डिटेल बताने वाला हूँ। तो ये सेक्शन और ये USB सेक्शन, ये बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, इनकी एक ही किट होती है, ठीक है, वो अंदर लगी होती है, उसके साथ कनेक्शन करना होता है। कनेक्शन करने के बाद जो है ना ये काम यहाँ पे हमारा करता है, वो कनेक्शन आप ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत हमें पड़ जाती है, इसलिए इसका सही होना भी लाजमी है। तो ये देखें जी, ये है जी टेप लाइन इन टेप लाइन आउट। यहाँ से आउट लेने के लिए किसी भी चीज़ में हम वायर लगाते हैं, यानी मिक्सर से वॉइस आउटपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ से इन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये सकते। तो ये सर्किट आपको दिखाता हूँ, वायर भी आपको शो करेंगे, कौन सी वायर यहाँ पर लगती है वो भी आपको बताएँगे। और यहाँ पर फ्लैश लगती है, ठीक है, यहाँ पे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं या रिवाइंड कर सकते हैं, ये आपका एक लेज़र वगैरह का ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ से जो है ना वो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सॉरी ये जो है ना पोज प्ले का है, मैंने वो गलत बता दिया है, ये है जी फॉरवर्ड का, ये है जी रिवाइंड का, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास, आपको मैं ये दिखा दूँ कि हमें प्रोग्राम कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पर हमें मिलती है हाई, यहाँ पे हमें मिलती है लो। हाइस हमें, मैंने आपको पहले बताया कि हमें रखनी है सीधी, हमें कोशिश करनी है कि हम सीधी ही रखें, किसी भी मिक्सर में ज़रूरी नहीं है कि ये मिक्सर हो, हाइस आप बड़ी लगा ले, 45 लगा ले, लेकिन हाइस आपने सीधी ही रखनी है, कोशिश करनी है। अगर ज़रूरत पड़े, अगर बेहद आपको जो है ना वो ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक पॉइंट खोल लें वरना नहीं खोलेंगे, ठीक है। लो आपने देखनी है, जब आपकी ब्रस्ट कर रही है वॉइस, आवाज़ फट रही है, उससे एक पॉइंट या डेढ़ पॉइंट पहले आपने बेस को सेट कर देना है, ठीक है। ये मोनो है, ये इको है, ये हम बंद रखेंगे। ये हो गया जी हमारा पैन, लेफ्ट राइट का बैलेंस है, तो इसको हम सेंटर में रखेंगे। ये हमारी इसकी चैनल 9 की स्लाइड वॉल्यूम आ चुकी है जी, इसको हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपको शो करता हूँ जी इसकी वायर, इसकी वायर कौन सी है हमारे पास, तो यहाँ पे कौन सी वायर लगती है और उसका प्रोग्राम, उसका फंक्शन क्या होता है। तो मैं भी आपको यहाँ पे इसकी वायर शो करने वाला हूँ। तो ये देखें जी, हमें ये वायर्स मिलती हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक वाइट होती है जी और ये एक रेड वायर होती है, ये हम लाइन इन में लगाते हैं, लाइन इन के अंदर हम यूज़ करते हैं। देखें जी, ये हमने पहले लगाई जी हमारी वाइट, फिर हमने लगाई जी हमारी रेड, उसके बाद एक जो इसका दूसरा एंड है, जो दूसरा इसका सिरा है, हम उसको पकड़ेंगे। और ये देखें, ये सिरा होता है इसका, स्टीरियो पिन होती है, ये 2.0 के अंदर कहलाती है ये। ये देखें जी, मैं कुछ शो करा रहा हूँ फोकस करके,
ये देखें जी, अब स्टीरियो पिन कैसे पता चलता है हमें, यहाँ से पता चलता है, ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, ये 0.0, 2.0 ये कहलाती है। ये मोबाइल्स में लग जाती है, लैपटॉप में लग जाती है, और जो है ना आपके सीपीयू में भी लग जाती है, आपके कैमरा में भी लग जाती है। ऐसी रीड होती है, वो मोनो होती है, वहाँ पे भी माइक्रोफोन वाली जगह पे लग जाती है, कैमरा में भी जो है ना ये सिस्टम लग जाता है। लेकिन हमें उसकी यूजेज जो है ना वो कैसे करनी है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो क्योंकि कैमरे से कोई वॉइस आउटपुट तो आती नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग की भी वॉइस आप सुन सकते हैं ऐसे पिन लगा के। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इस सेशन से रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ये इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ यूएसबी लगती है, फ्लैश लगती है, फ्लैश के साथ भी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, जहाँ पे सर्कल बना हुआ है और दरमियान में डॉट है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये मोड का बटन है, ये लिस्ट का बटन है जी, ये पॉज प्ले का बटन है, ये बैक का बटन है, ये फॉरवर्ड का बटन है। ठीक हो गया जी, ये थी जी हमारे आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया चैनल 9 हमारा किस लिए काम आता है। ये बेसिकली एक MP3 प्लेयर है, जिसका ये वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप मोबाइल भी लगा सकते हैं। ये टेप लाइन इन टेप लाइन आउट है, यहाँ पे हमारी फ्लैश लगती है, आप फ्लैश लगा लें, आप कोई चीज़ ऐसी लगा लें, पेन ड्राइव लगा लें अपना, जिसमें आप कार्ड रीडर लगा कर भी, कार्ड रीडर में अगर आपने मिसाल तौर पे कार्ड लगाया हुआ है, उसमें सॉन्ग्स पड़े हैं, कार्ड रीडर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चार्जिंग केबल भी लगा सकते हैं अपने मोबाइल के लिए, तब भी करंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी जो है ना आपने लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो है ना आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, जानी साउंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी आपसे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो शुक्रिया, आप दोस्तों ने मेरी वीडियो देखी, इसकी मुकम्मल टेस्टिंग के साथ वीडियो बना के दिखाऊंगा, आपको बताएंगे हाउ टू ऑपरेट अ मिक्सर, मिक्सर कैसे ऑपरेट करना है, आपको मैंने बेसिक डिटेल बता दी है, लाइन की सेटिंग भी बता दी है, इसका रिव्यू भी करा दिया है, अब चैनल 9 का भी कर दिया है, अब ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, विद टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग के साथ आपको हम समझाएंगे, माइक टेस्ट करेंगे इसके ऊपर और मोबाइल भी टेस्ट करेंगे। ठीक हो गया।